देखिए देखिए इस तरह से आधा इंच की इस तरह से गोलाई देंगे, यहाँ नहीं देनी है, यहाँ देनी है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, आप भी इस तरह से जरूर दीजिए, नहीं तो आपका सूट में झोल आएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आपका सूट खराब हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसमें गोलाई देंगे और इसको काट के हटा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो, आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सूट से नाप ले करके पूरा सूट की मेजरमेंट समझाएंगे, सूट से नाप लेके और सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। आज पूरा क्लियर करेंगे कि किस तरह से कटिंग करना चाहिए सूट से नाप लेके। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, बिल्कुल स्किप मत करिए, स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सूट का कपड़ा है, इसको हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा मेजरमेंट वाला है, यानी कि इसी नाप से हमें सूट की कटिंग करनी है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका सीना देखेंगे, यहाँ से ये चीज़ देख लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए 16 इंच का है, ध्यान समझिए, ये इसका सीना का नाप ले रहे हैं। देखिए यहाँ 16 इंच का है, ये 16 इंच हो गया। अब ये नाप लीजिए, देखिए ये 14 से 14.5 इंच है, ये 14.5 इंच का है, ये देखिए 16 इंच का है और ये 14 इंच का है। इस तरह से आप भी नाप लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ कमर का देखेंगे फिटिंग कितना है, तो ये भी 16 इंच है। ये तीनों नाप लेना बहुत ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स, ये नाप ले लीजिए। उसके बाद देखिए इसकी पूरी लंबाई देखिए कि ये सूट कितनी लंबी है। ये देखिए पूरी लंबाई इसकी 36 इंच है, ये पूरा सूट की लंबाई हो गई कितना, 36 इंच। इस तरह से आप भी नाप ले लीजिए, नाप कभी भी लीजिए, इस तरह से कपड़ा को बढ़िया से इंची टेप को बराबर से नाप लीजिए, नहीं तो आपका कपड़ा जो आप सिलिएगा छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से इंची टेप को खींचते हुए कपड़े के साथ में ये ले लीजिए, ये हो गया 36 इंच का पूरा तैयार है ये सूट है जो। अब इसका गला देख लीजिए, तो ये गला है देखिए 7 इंच का। इस तरह से देखिए इसका गला है 7 इंच का। इसका पीछे का गला देखेंगे कितना है, इस तरह से देखिए पीछे का गला भी नाप लेंगे। इस तरह से आप इंची टेप लगाते हुए इस तरह से नाप लीजिए। देखिए ये 9.5 इंच का गला है, पीछे गला है 9.5 इंच का। अब इसका बाजू देखेंगे कि बाजू कितना तैयार है, तो इसका बाजू देखिए 3 इंच का है फ्रेंड्स। देखिए 3 इंच का बाजू तैयार है, आप समझ में आ गई। ये सीना है 16 इंच, ये है जो पेट की फिटिंग है यहाँ, ये हो गया 14 इंच, और ये कमर है जो ये है 16 इंच। इसकी सूट की पूरी लंबाई है जो 36 इंच है, आगे गला 7 इंच है, पीछे 9.5 इंच है, इसकी बाजू है जो 3 इंच है। फ्रेंड्स इसी मेजरमेंट से हमको पूरे सूट की कटिंग करनी है। देखिए ये सूट की कपड़ा है, समझ में आ गया आपको कि सूट की नाप कैसे लेने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ज्वाइंट था, आगे का पार्ट है देखिए, ये देखिए आगे का पार्ट है, कढ़ाई वाला था तो आगे इस तरह से दे रखा था, और पीछे का जो पार्ट था ये प्लेन था, तो इसको बीच में ज्वाइंट था, इसको हम अलग अलग कर दिए हैं। अगर आपके पास बिना ज्वाइंट का है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, देखिए ये ज्वाइंट वाला था तो इसको अलग अलग कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पीछे के कपड़े की कटिंग करेंगे, पीछे का पार्ट निकालेंगे बैक साइड का। तो इसके लिए देखिए कपड़ा को इस तरह से बिछा लिए, आप इस तरह से बिछा लीजिए फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका कपड़ा खराब ना हो सबसे पहले, और उल्टा कर लीजिए। देखिए इस तरह से उल्टा में निशान लगाएंगे तो आपका चौक लगेगा तो कपड़ा खराब नहीं होगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर लेंगे, शोल्डर लेंगे, 6 इंच का शोल्डर रखेंगे, इस तरह से हम 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। इस तरह से देखिए, देखिए इस तरह से 6 रखेंगे, और ये निशान को मिला देंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, देखेंगे 8 × 16, 16 × 32, यानी कि 32 इंच के पूरा था, 16 इंच एक साइड का था, तो हम ये दो पार्ट में काट रहे हैं, ये पीछे का काट रहे हैं फिर आगे का काटेंगे, तो 8 × 16 यानी 8 पे इस तरह से 4 फोल्ड में ये हो गया, तो ये 8 इंच का हो गया। यहाँ सीना का हम लगा दिए नाप, इसमें देखिए 2 इंच का इसमें मार्जिन हम रखेंगे। इस तरह से देखिए 2 इंच का हम मार्जिन रख दिए हैं, और ये देखिए 8 × 16, 16 × 32 यानी 4 फोल्ड में ये कटेगा, तो 8 इंच का सीना रख लिए। बहुत ही आसान से समझा रहे हैं, आप एकदम ध्यान से समझिए, जब भी समझ में आएगा बारीकी से समझिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई सीखना है तो कमेंट करके आप बताइए कि हम आपको सिलाई सिखा सकें, इसलिए कमेंट करें। अगर कोई डाउट रहे, आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताएं, कमेंट करके जरूर पूछिए आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए बंद का साइड उसमें 14 इंच पर है, तो 14 पे इस तरह से निशान लगा देंगे फ्रेंड्स। देखिए अब इसमें देखेंगे पेट की फिटिंग है जो इसमें था 14 इंच, तो हम 7 इंच के यहाँ देखिए रखेंगे, यहाँ 7 इंच पे लगा देंगे निशान। देखिए इस तरह से 7 इंच पे लगा देंगे, यहाँ देखिए 8 ही पे लगाएंगे क्योंकि 16 इंच था वहाँ, तो 8 × 16 = 32, तो यहाँ 8 4 फोल्ड में काट रहे हैं तो 8 रखेंगे, 8 × 4 = 32। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये निशान और ये निशान
को एकदम इसी तरह से मिलाते जाएंगे। देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे, ये हमारा है जो परफेक्ट फिटिंग है। आप भी इसी तरह से कर लीजिए। यहाँ सेम प्रोसेस करेंगे, देखिए दो दो इंच का इस तरह से, अगर ज़्यादा देना चाहें तो ढाई इंच का दे सकते हैं आप मार्जिन। देखिए यहाँ दो दो इंच का देंगे इस तरह से, ये दो से ढाई इंच जरूर रखिए, नहीं तो आपका सूट खराब हो जाएगा, कभी जरूरत पड़ेगा ढीला टाइप तो नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, यहाँ एक लाइन आप जरूर खींच दीजिए ताकि आपको यहाँ पता चले कि ये फिटिंग वाला है। इस तरह से देखिए, इसमें निशान लगा दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स दामन का देखेंगे, अगर आपके पास दामन है का निशान है फ्रेंड्स, अब दामन का देखेंगे, अगर आपके पास दामन का नाप है तो ले लीजिए। देखिए इस तरह से सूट का दामन देख लेंगे इसमें कितना है, इस तरह से देख लेंगे, अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कमर के हिसाब से लगा लीजिए। देखिए ये है इसके नाप है फ्रेंड्स हमारे पास, तो इसी के हिसाब से लगाएंगे। ये 18 इंच का है, देखिए फ्रेंड्स ये 18 इंच का है दामन, तो 9 × 18 यानी 4 फोल्ड में रहेगा, ये 2 निकलेगा और 2 उसमें से, तो 9 × 36 = 18 था, तो यहाँ देखिए 9 इंच पे इस तरह से देखिए निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से निशान लगा देंगे, ये इतना रहेगा जो हमारा तिरपाई में चले जाएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से खींच देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए इसको निशान लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से आप भी कर लीजिए। ये हो गया पीछे का पार्ट, इसमें देखिए 1 इंच का हम देंगे इस तरह से गहराई देंगे, और इस तरह से देखिए इसको निशान लगा देंगे फ्रेंड्स। अब इसकी कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के हटा दिए, और ये जो मार्जिन का हिसाब है उस रहने दिए, बाकी काट के हटा दिए। इस तरह से आप भी कटिंग कर दीजिए। यहाँ देखिए 36 इंच का ये लंबाई देखिए इस तरह से 36 इंच का लिए हैं। देखिए 36 इंच का जो तैयार है वो रख लिए, और इसमें देखिए 2 इंच और ऐड किए। इस तरह से आप भी कटिंग करिए, जितना सूट आपका तैयार है उतना रख लीजिए, और इसमें 2 से 2.5 इंच तो जरूर रखिए एक्स्ट्रा, क्योंकि ये तुरपाई में जाती है, आपका 1.5 इंच तुरपाई में चली जाएगी, आधा इंच यहाँ सिलाई में चली जाएगी, तो इस तरह से आप भी कटिंग करिए। ये देखिए हमारा फाइनल हो गया पीछे का पार्ट, अब देखिए आगे का पार्ट कटिंग करना है, तो कैसे कटिंग करना है आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए जब भी आपको समझ में आएगा। आधा देखने पर फ्रेंड्स आपको और आपका सूट भी खराब हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। इस तरह से देखिए इसमें गला बना हुआ है, इस तरह से देखिए गला बना हुआ है, इसको क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, इसको बराबर से इस तरह से रख देंगे, एकदम सही से बराबर से इसको बैठा के इस तरह से रखेंगे, ताकि इधर से इधर कपड़ा खिसके नहीं, इस तरह से देखिए। और ये जो बीच वाला चीज है इसको भी बराबर कर देंगे इस तरह से, अच्छा से हाथ फेरते हुए इसको बराबर कर लीजिए पहले, इस तरह से कोई भी कपड़ा कटिंग करिए सबसे पहले इसको बराबर जरूर करिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको अच्छे से बिछा दिए हैं, अच्छे से आप भी बिछा दीजिए, और इसको उल्टा जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, उल्टा में ही आप कपड़ा कटिंग करिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसमें तो गला बना हुआ है, इसमें गला बनाना नहीं है, इसको क्या करेंगे इस तरह से देखेंगे, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो रख रहे हैं ये बराबर होना चाहिए। देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर भी ये बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, इस तरह से बराबर से रखते हुए इस तरह से फ्रेंड्स अच्छे से बैठा देंगे इसके ऊपर, और इसमें देखिए कटिंग कर देंगे इस तरह से, इसको कटिंग कर देंगे। अभी इसमें आगे में आर्म होल में आपको गुलाई देना समझाएंगे और बाजू कटिंग करना समझाएंगे, वीडियो में बने रहें जब भी समझ में आएगा, आधा देखने पर आपको नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले इसको बराबर से इसकी कटिंग करके हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों को बराबर करते हुए कटिंग कर दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा था उसको उस कपड़े को कटिंग करके हटा दिए। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को हटा देंगे इस तरह से, देखिए इसको साइड कर देंगे, और इसमें फ्रेंड्स देखिए आपको समझा दें, इस तरह से आधा इंच की इस तरह से गोलाई देंगे, यहाँ नहीं देनी है यहाँ देनी है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए। आप भी इस तरह से जरूर दीजिए, नहीं तो आपका सूट में झोल आएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आपका सूट खराब हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसमें गोलाई देंगे और इसको काट के हटा देंगे, ये आगे के पल्ले में जरूर करिए। देखिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर दिए हैं, जिसमें आधा इंच के यहाँ गहराई दिए वो उसको काट के हटा दिए। अब इसको साइड करेंगे फ्रेंड्स, अब आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह से कटिंग करना है, तो बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए जो भी समझ में आएगा फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए 3 इंच के हमें बाजू रखनी है, सीना है 32 इंच, 16 × 32 इंच, तो हमें सीना के हिसाब से बाजू रखनी है, और इसकी लंबाई रखनी है 3 इंच की बाजू रखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 5.5 इंच है, तो ये हमारा
तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो चला जाएगा हम यहाँ 5.5 इंच रखेंगे। देखिए इसको पलट देंगे, ये हमारा देखिए 3 इंच का बाजू रह जाएगा। इस तरह से देखिए 3 इंच का बाजू रहेगा, ये बाकी जो है तुरपाई में चली जाएगी, सिलाई में चली जाएगी। इस तरह से देखिए ये हो गया हमारा। अब इसका सीना के हिसाब देखेंगे, सीना है 32 इंच, तो ये 8 इंच का देखिए ये हमारा सीना हो जाएगा। सीना के हिसाब से बाजू कटती है, कभी भी सीना के हिसाब से बाजू कटिंग करिए। देखिए ये 8 इंच का हो गया और इसमें 1 इंच और ऐड कर दिए हैं। इस तरह से देखिए 1 इंच और ऐड कर दिए हैं, तो ये हो गया हमारा 9 इंच। देखिए इस तरह से आप भी कर लीजिए। अब यहाँ हम 2.5 इंच की गहराई देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए और इस तरह से देखिए इसको गोलाई दे देंगे बाजू का, इस तरह से, इस तरह से आप भी कर दीजिए। और इसको इस तरह से देखिए तिरछा कर देंगे और इस तरह से फिटिंग का निशान दे देंगे और इसको कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स बाजू कटिंग कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ बीच में कुट्टक का निशान दे देंगे, जाके बाजू जोड़ेंगे जब, ताकि हमें पता चल जाए कि बीच का पार्ट है। फ्रेंड्स ये सीना का फिटिंग का हिसाब है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी कुट्टक का निशान लगा देंगे, ताकि हमें फिटिंग करने समय समझ में आ जाए कि ये देखिए हमारा फिटिंग का है। और इसको पार्ट को अलग अलग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बाजू कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब देखिए ये पीछे वाला पार्ट मैं आपको समझा दें फ्रेंड्स। ये देखिए पीछे वाला जो पार्ट है इसको बुकरम पे गला कटिंग करेंगे और बुकरम पे ही गला बनाएंगे और इसमें अटैच करेंगे। तो आप भी कभी भी करिए तो बुकरम पर कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो आपका नए है तो आपका खराब हो जाएगा कपड़ा। इस तरह देखिए बीच में कुट्टक का निशान लगा देंगे, ताकि गला जब हम बनाएंगे तो ये बीच में पता चल जाए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी कुट्टक का निशान लगा देंगे बीच के, ताकि पता चले। यहाँ भी कुट्टक, कभी भी आप सूट कटिंग करिए तो जहाँ जहाँ आपका फिटिंग का है वहाँ कुट्टक जरूर लगा लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारा फिटिंग का है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी कुट्टक का निशान लगा देंगे, ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ जो हम फिटिंग करेंगे यहाँ तक बंद रहेगी। एकदम आम भाषा में आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ भी देखिए ये इस तरह से कुट्टक का निशान लगा देंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ से हमें तुरपाई के लिए करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए सारे सूट की, देखिए सारे पार्ट की कितनी अच्छे से कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए आगे का पल्ला है, इसमें गला बना हुआ है। अगर आपको नहीं गला बनाना आता है तो हम अपने चैनल में गले की सूट कैसे बनाते हैं और कैसे सिलते हैं पूरा वीडियो बना रखे हैं, जाइए उसमें देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें, आपको हम वीडियो बना देंगे, आपको हम समझा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।